वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ठाकुर जी, मैं लीला हूँ कि ऊपर कंफ्यूजन ना हो इसलिए कह रही हूँ। आज अनुपमा नहीं है तो पूजा मुझे करनी पड़ रही, पर आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये पूजा मैं नहीं रोज अनुपमा ही करे। करेंगे ना, अनुपमा को रोक लेना। हाँ सुबह सुबह किसका फोन है? जय श्री कृष्ण। अभी अभी सूरज को जल चढ़ा रही थी तो तुझे याद किया, तेरा फोन आ गया। ये किसी और का फोन लेकर फोन कर रही हूँ बा, आप तो जानती है ना कि मेरा और इनका फोन घर पे रह गया है तो। हाँ पता है, ये देख तू नहीं है तो मुझे जल्दी उठ के पूजा करनी पड़ रही है। अच्छा है ना बा, मेरे जाने के बाद तो आप ही को करना है, तो अभी से आदत डाल लीजिए। ऐसा कोई 4G 5G फोन नहीं है हा? जो सास फोन में घुस कर बहू का कान खींचे। सुबह सुबह ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रही है? सॉरी बा। अच्छा बता, वहाँ सब ठीक है? हम ठीक है बा, पर यहाँ पर बहुत सख्ती है, किसी को बाहर निकलने ही नहीं दे रहे। पता नहीं कब तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा, बुरे फंसे। अरे अच्छे फंसे बोल। बा तू ही तो कहती है कि भगवान जो करे वो अच्छे के लिए करे, चाहे जिसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तू और वंजा यहाँ आने की जल्दी मत करना, साल दो साल रहना पड़े तो रुक जाना। साल दो साल? हाँ चल, महीने दो महीने। महीने दो महीने? अरे हफ्ते दो हफ्ते। हफ्ते दो हफ्ते तो क्या, अभी कर्फ्यू क्या क्या जा? जितने भी दिन बाकी है ना बा, मैं आप सबके साथ बिताना चाहती थी। सोचा था जाने से पहले जी भर के जीऊंगी। तो वहाँ कौन सा ऑक्सीजन का बाटला का पाइप कट गया है? हाँ वहीं पे तो जी रही है ना। अरे कितने सालों बाद तुझे और वनराज को रिसोर्ट में ऐसे अकेले रहने का मौका मिला है। वनराज का है? उससे बात करा? वो अपने कमरे में है बा। अपने कमरे में मतलब आप दोनों पति पत्नी होकर अलग अलग कमरे में रह रहे हो? नाला एक बेटा है ना मेरा, वैसे तो हमेशा तू बचत कर बचत करो ऐसी बातें करती है, अभी खर्चा कर रहे हो, उड़ा रहे हो पैसा। बस भगवान करे ये कर्फ्यू जल्दी खुल जाए ताकि हम घर जल्दी वापस आ जाए। कोई जरूरत नहीं है यहाँ जल्दी आने की, अगर कर्फ्यू खुलता है ना तो भी और घूम फिर के आना। और ये मत समझना कि तुम्हारे बिना यहाँ काम नहीं चलता है, अरे नागिन है मेरे साथ। राखी बहन वहाँ पर? हाँ वो तोसु और समर नहीं है, और तू और वनराज भी फंस गए थे तो यहाँ आके हमें कंपनी दे रही है और हम काम में हाथ भी बटा रही है। चलिए ये अच्छा हुआ, कान्हा जी का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग अकेले नहीं है, राखी बहन है वहाँ आपके साथ। और तुम दोनों वहाँ कुछ ज्यादा ही अकेले हो। वहाँ पर सब ठीक है ना? हाँ यहाँ सब ठीक है। आप बापूजी मामा जी किंजल स्वीटी सब में वो लोग भी आ गए, ने कहा ना यहाँ की चिंता मत कर। आप और बापूजी अपनी दवाइयाँ समय पे? हाँ ले रहे दवाई, कहा ना यहाँ सब ठीक है। वैसे बा आप सबकी बहुत याद आ रही है। हमें भी। चल अब बहुत हो गई बातें, हाँ तुझे वहाँ कुछ काम नहीं है पर यहाँ हमें बहुत काम है। हाँ रख फोन, और हाँ दिन में 2-3 बार ऐसे फोन करते रहना। अनु जी। जय श्री कृष्णा। अनुपमा से सीधा अनु, चल कुछ तो बदला। आई थिंक अचानक से उठ गई इसलिए चक्कर आ गया। सत्यानाश, सुबह सुबह ये मैदे की कटोरी का चेहरा देखा और पूरा दिन बर्बाद। अनुपमा और वी वापस आए?
कर्फ्यू उठ गया? नहीं ना, तो क्या उड़ के आएंगे? हाँ, वनराज और अनुपमा एक रिसोर्ट में अकेले हैं, चिंता मत कर, वहाँ ठीक है और बहुत खुश है। आपको कैसे पता कि वो दोनों खुश हैं? तुम्हें कैसे पता कि वो खुश नहीं है? हाँ, जब तुम आसपास होती हो ना तब वो खुश नहीं होते, जब वो दोनों अकेले होते हैं ना तब तो खुशी होते हैं। और उनसे ज्यादा खुश तो आप लग रही हैं, क्योंकि आपका प्लान जो सक्सेसफुल हो गया। मैं जानती हूँ कि ये आपका और पाखी का प्लान ही था, वी और अनुपमा को अकेले पिकनिक पे भेजने का प्लान। अरे वाह, तेरे में दिमाग नाम का पौधा उग गया, तभी उसका उपयोग करना और मेरे बेटे की जिंदगी से 9-2-11 हो जाना। इन योर ड्रीम्स, मैं वनराज की जिंदगी से दूर नहीं जाऊंगी, बल्कि उसकी वाइफ बनके इस घर में आऊंगी। देख देख सपने देख, क्योंकि सपने देखने पर टैक्स नहीं होता है। जो सपने देखने हैं तेरे घर में जाके देख, यहाँ मेरा दिन और दिमाग खराब मत कर। आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं बा? हिंदी में तो बात कर रही हूँ, क्या अंग्रेजी में बात करूँ? गेट आउट, जा चली जा। गेट लॉस्ट होता है बाय द वे, पता है ना, तो खड़ी क्यों है, जा ना, गेट लॉस्ट। बहुत हो गया सबका नाटक, अब मैं सबको बताऊंगी कि काव्या क्या चीज है। गुड मॉर्निंग बा, आपने क्या हुआ, तू गूंगी क्यों हो गई? किंजल बेटा क्या हो रहा है तुझे? किंजल ये ओके बेटा, क्या हुआ? पता नहीं मॉम, अचानक से चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। कुछ उल्टा सीधा खाया था क्या? नहीं बा, जब सुबह उठी थी तब भी चक्कर आया था और अब फिर से। किंजल यू रेस्ट बेटा, पाखी तुम जरा ध्यान रखो इसका, मैं आती हूँ। जी भाभी, आप पानी पियो। फीलिंग ओके ना? सेंड पिक्चर्स टू समर? ओ हाँ, मुझे समर को कुछ पिक्चर्स सेंड करने थे। किस चीज की? आज उसका डांस कंपटीशन है, उसे कुछ आउटफिट के आइडियाज चाहिए थे, इसलिए जस्ट गिव मी द फोन, आई विल सेट अनदर रिमाइंडर, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं उसे भेज दूंगी। भाभी मैं भेज देती हूँ ना। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल, और आप ज्यादा प्रेशर लोगी ना आपको फिर से चक्कर आ जाएगा। थैंक यू पाखी। थैंक्स क्या, आप विंटर के लिए इतना तो कर ही सकती। आई जस्ट होप समर अपने कॉम्पिटिशन में फोकस कर पाए। जब से उसे पता चला है कि मम्मी और पापा कर्फ्यू की वजह से अटक गए, इज बीन रियली वरीड एंड अफेक्टेड।